अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग है पटेल्स गुड फार्म पर हरसुल में, जो कि औरंगाबाद में है। दोस्तों इससे पहले की वीडियो अगर मिस किया है जरूर जाकर चेक करें, और अगर आप लोग पटेल्स गुड फार्म पर आना चाह रहे हैं, और ख़ास तौर से मैं समझता हूँ अगर आप आना भी चाह रहे हो तो इस चीज़ के लिए ख़ास तौर से आप आना चाहोगे, क्योंकि भाई औरंगाबाद में ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं अगर मेरी पर्सनली बात करूँ तो मैं सबसे पहले एक यूट्यूबर होने से पहले एक शौकीन हूँ। काफ़ी हमें खुशी मिलती है कि भाई हमारे औरंगाबाद में ऐसी चीज़ें जो हम लाइव देखने के लिए मिलती है। एक ऐसा बकरा है ये जो कि सानियन ब्रीड में अगर हम लोग बात करें तो जितनी तारीफ करेंगे उसकी उतनी कम है। माशाल्लाह, ऐसा हम क्यों कहते हैं क्योंकि जब आप लोग फार्म पर विजिट करके इस बकरे को देखते हो तो आप लोग भी अगर शौकीन हो गए तो आप लोग भी ये जो मेरी बोली है इंशाल्लाह यही बात करोगे। दोस्तों हम लोग है पटेल्स गुड फार्म पर, अभी हम आप लोगों को सानियन का इनका सेटअप दिखा रहे हैं। मौलाना साहब है साथ में जो कि इस फार्म का टूर करवाएंगे हमें, तो चलिए हम लोग मौलाना से बात करेंगे और आज के वीडियो में क्या रहेगा आप लोगों के लिए ये भी जानते हैं। तो वीडियो को पूरी देखिए, माशाल्लाह मजा आता है इस बकरे को हमेशा शूट करने पर, तो इंशाल्लाह आज भी आप लोगों को मजा आएगा ये वीडियो देखने पर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम मतलब। मौलाना साहब, जैसे मैंने लोगों को जिक्र किया भाई पटेल गुड फार्म पर सबसे पहले आते हैं लोग तो ढूंढते हैं भाई खली कहाँ पर है। खली कहाँ पर? खली का आज लोगों में इतना प्रेम हो गया है इससे, इस बकरे से, और इस बकरे को लोग इतना मतलब चाहते हैं, पसंद करते हैं। आपको भी पता होगा आप काफी मतलब नजदीक हो, क्लोज है इमरान भैया की जी। बाहर से भी कस्टम मतलब क्लाइंट्स आते हैं देखने के लिए, इसके ख्वाहिशमंद आते हैं देखने के लिए। कैसा लगता है आपको कि भाई एक बकरा अपने पास है, ऐसा बकरा? अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी तारीफ अल्लाह की जाए कम है जी, कि एक नायाब चीज अल्लाह ने हमें अता की है। बिल्कुल, बनाने वाली जात तो अल्लाह की है कि आज तक ऐसा बकरा मैंने तो मेरे पूरे लाइफ में नहीं देखा। बिल्कुल, सानियन में। और हम ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई हमारे आंखों के सामने है, हमारे मतलब हम इसको देख रहे हैं रोज, तो इससे भी हमको भी खुशी मिलती है। खुशी मिलती है कि भाई अच्छा, और इतना बड़ा बकरा आज हमारे पास है जी। और असल में ये जेके लैंड से अपने पास आया हुआ है जी, तो माशाल्लाह ये इतना बड़ा बकरा, अभी तक मैंने बंबई भी घुमा हूँ मैं, बहुत सारी जगहों पर जी जी, तो वहां पर भी मुझे इतना बड़ा बकरा देखने को नहीं मिला जी जी। बकरे तो ये इसके सिंग जी, इसकी पर्सनालिटी जी, और इसका जो खूबसूरती है जी, ये शायद ही किसी बकरे मैंने देखा। और ये शायद से मैं बोलता हूँ, मैं हजार बार कहता हूँ मौलाना साहब, वीडियोस हम कितनी भी अच्छी बना लेंगे ना, वो जानवरों को जस्टिफाई नहीं करती है। माशाल्लाह भाई, इसको कंट्रोल करते करते सांस फूलने लगती है जी, क्यों तो ताकतवर चीज है जी जी जी। ठीक है, तो भाई देखिए खली है माशाल्लाह, और अगर इसके साइज का अंदाजा आपको वीडियो पे लेना है तो एक दो जानवर उसके करीब जाने देता हूँ मैं जी, तो उसको अंदाजा आएगा। फिलहाल तो अभी ज्यादा बहुत ज्यादा गर्म हो गया लगता है ये, बहुत ज्यादा गर्म होगा अभी उसको। हाँ। हम असल में नीचे छोड़ते नहीं जी जी जी, और बस वहां से निकालना और अंदर ही सही उसको भाई, लग जाना। वो देखिए अभी उसके पैरों में से जा रही हो पट उसके, और ऐसी नहीं पट, ये बड़ी बकरी है उसके पीछे, वो भी देखिए आप लोग कहाँ पर आ रही है। मौलाना साहब हाइट कितनी होगी उसकी अंदाज में आपके? ये 40 के लगभग हाइट है। ये ब्रीड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलेंगे 40 इंचेस हाइट बोलेंगे सानियन में, कोई इसकी स्टडी करेगा तो पता चलेगा कि भाई 40 इंचेस मतलब एक नॉर्मली नहीं आती है, नहीं आती। और ऐसा ही नहीं कि भाई इसका फ्रेम है या हाइट है, ये जो सिक्के है ना जी, इसका चौड़ापन देखिए आप लोग, ये कभी गिने हो आपने टेप से कि कितने हैं इसकी चौड़ा? नहीं, अभी तो गिने तो नहीं हमने भाई, मैं करीब जाने की कोशिश करता हूँ उसके, थोड़ा सा देगा तो नहीं आड़ी? नहीं अभी भाई, ये देखे माशाल्लाह। और इसका चेहरा, चेहरा माशाल्लाह काफी बड़ा भाई, ये जो छोटी बछड़े रहते हैं ना वैसा चेहरा है उसका। बस बस, क्योंकि वेट गेन भी उसका जो थे 130+ था, 130+ था माशाल्लाह। क्यों तभी हम, ये तो तैयारी वाली बकरा नहीं है कि भाई आपको मतलब इसको 150 पार करना है, नहीं नहीं, ये तो ब्रीडिंग वाला बकरा, ब्रीडिंग वाला था, इसको उतार रहे हम और। जी जी जी, ठीक है। तो मौलाना साहब ये वीडियो में क्या दिखाएंगे आप? खली की तो हमने बात कर दी लोगों के सामने जी, क्या दिखाएंगे मतलब बिक्री के लिए रहेगा कुछ या सिर्फ ऐसा शो करवाना है? नहीं, कुछ सेल के लिए भी है जो खली के बच्चे वगैरह रहेंगे मेल। ठीक है, खली के मेल है कुछ आए हुए अपने पास, फीमेल्स भी दिखाएंगे, कलेक्शन बताएंगे, लेकिन फीमेल में अभी देने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, तो अभी हमें भी सेटअप बड़ा करना है जी जी जी। हाँ, खली के मेल आए माशाल्लाह टॉप अच्छे क्वालिटी में जी जी जी, और उसके डेट के साथ वगैरह सब आपको क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। चलेगा चलेगा, इंशाल्लाह टूर करवाते हैं लोग जी जी। ठीक है, तो दोस्तों बात हो गई खली की, अब आते हैं फीमेल्स के पास। जैसे मौलाना साहब आपने जिक्र किया कि भाई फीमेल्स तो अभी माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप बन रहा है इमरान भैया, बन रहा है, तो फीमेल्स तो अभी रुकाएंगे आप लोग जी। फिर भी मतलब आगे चल के कितना वक्त रहेगा भाई फीमेल्स अवेलेबल रहेंगी? फीमेल्स अवेलेबल रहने के लिए कम से कम
1 साल 1 से 16 महीने 1.5 साल पकड़ चलो। ओके ओके, जैसे भाई हैदराबादी पे मेहनत हुई थी उसी प्रकार सानिन की, तो ये पूरे होम ब्रीड है ये। जी जी जी, इसमें कुछ खली के फीमेल से और कुछ पीक लैंड से। भाई नजारा ये पीछे का बैकग्राउंड देख के लोगों को ना लगे कि हम स्विट्जरलैंड आए हैं। पीछे काफी बेहतरीन ग्रीनरी और इतने बेहतरीन एक एक जानवर इसमें चमक रहे हैं माशाल्लाह। भाई हमारे हरसुल में है हम लोग पटेल्स गोट फार्म पर, खूबसूरत नजारा लग रहा है माशाल्लाह। और ये क्वांटिटी देख लिए और प्लस क्वालिटी देखिए, ये फीमेल्स है इसमें, इंशाल्लाह कुछ मेल्स आप लोगों को दिखाते हैं हम लोग। ये भी ये जो है खली की बीटी है। अच्छा, खली की है जी। इसमें लाइन कौन कौन सी है? ये इसमें दो ही लाइन है, खली की है जो ये है और एक पीके लाइन से। अच्छा, पीके लाइन से। पीके लाइन से इसमें सिर्फ जो है तो 3 फीमेल्स बड़ी। अच्छा अच्छा, जो ये भी पूरी, ये भी पीक लाइन से, खूबसूरत नजारा देखिए। ये भी सिर्फ 7-7 महीने के हैं। 7-7 महीने के, ठीक है, इसीलिए इनको अलग रखा है शायद से। ये भी साथ सब एक फीमेल एक तरफ रखे ताकि इनको जो है तो ब्रीडिंग अभी जो है तो रुका सकेंगे, रुकाना है। सही है, सही, क्योंकि 7 महीने में ये ग्रोथिंग इनका जा रहा है अभी माशाल्लाह सानिन में। सही सही, चलिए अभी इनको जो है तो फिर रोक कर रखा हुआ है कि अब जून में इनको जो है तो ब्रीडिंग के लिए तैयार कर जाएंगे। आइए उस बाड़े में आते हैं, कुछ मेल बच्चे दिखाते हैं जी। भाई मौलाना साहब, ये इसके खली का बच्चे है? ये खली का बच्चा है। कितनी उम्र का बच्चा है ये? ये 1.5 से 2 महीने का है। 1.5 से 2 महीने का। भाई इसकी लेंथ देखे तो ये अभी ये उम्र में बेचोगे क्या, इसको थोड़ा रुकाओगे या? ये 6 महीने के बाद। 6 महीने में, ठीक है। अगर अभी भी कोई अगर खरीदना चाह रहा है और बोलेंगे भाई आपके पास रखो, तो ऐसा कुछ है तो दे सकते? अच्छा अच्छा, क्यों तो रेट भी तो आना है जी। हाँ, वो भी है, और खूबसूरती बंड भी आना है। अभी ये बच्चा है जी, जी। ये 1.5-2 महीने के अंदर जो तो ये सिंग क्वालिटी है अभी, लोग खुद देखेंगे जी कितने सिंग है उसके माशा। अभी और 4 बच्चे है ऐसे। अच्छा, ये दूसरा है? ये दूसरा है, सेम उम्र का ये भी? सेम। इसके ये देखो हथियार, देखो दोस्तों ये हथियार जो बताते जी जी, सही है। ये खली की बाप तो बाहर दिखाया ही भाई, इसका ये खाने का देखे, ये कितना बड़ा है उसके लिए। और ये भाई फिर भी केज थोड़ा बहुत सलामत दिख रहा है भी मुझे भी। लास्ट टाइम आया तो शायद से तोड़ दिया था उसने। हाँ, ये भी हर चालू है रोजाना है। अच्छा, इसको मेंटेनेंस चालू है। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई अतिक्रमण चालू रहता है उधर। हाँ उधर, सही है। चलो और बच्चे दिखाइए। ये यही उसी के। अच्छा, ये भी उसी के बच्चे। ये माशाल्लाह भाई, खूबसूरत बच्चे। देखो फार्म पे आइए दोस्तों, आप लोग पटेल गुड फार्म पर जब तक आप आओगे नहीं तो आप लोगों को शायद से वीडियो पे समझ में आएगा नहीं। माशाल्लाह, ये एक और एक है जी। ये 4 बच्चे है उसके। 4 बच्चे उसी, ठीक है। और ये देखिए फीमेल्स, ये फीमेल्स में कौन कौन सी लाइन की है मौलाना साहब? बड़ी फीमेल्स में, बड़ी में जो है तो ये बड़ी फीमेल ये जो पूना वाले साथ है। अच्छा, नरोड़ा जो आई गोट फार्म। अच्छा, है अच्छा अच्छा, ये वहाँ की फीमेल्स है और बाकी जो है तो ये अपने इंपोर्ट ब्लेंड से। ओके ओके, देखिए इसके सिंग देखे माशाल्लाह एकदम खड़े, इसके सिंग देखे, ये जो पीछे है जी वो भी इंपोर्ट ब्लड लाइन से है। अच्छा, वो इंपोर्ट से है माशाल्लाह एकदम। भाई ये खली को मतलब मैचिंग करते हुए मैचिंग, इसलिए तो जो बच्चे आए तो 2 बच्चे जो स्टार्ट में देखे हमने वो इसी के। अच्छा, वो इसी के बच्चे है? इसी के। ओके ओके, देखे दोस्तों ब्लड लाइन देख ले आप लोग, मदर भी दिखा दे रहे आपको इसी वीडियो में। सही है, बहुत प्यारा कलेक्शन है सानिन का माशाल्लाह, खूबसूरत। ठीक है, तो ये एक छोटा सा यहाँ का देखिए, यहाँ से वहां तक है माशाल्लाह। ये आप लोग पूरे जानवर देखे पिछले वीडियो में, अगर मिस किया है तो वो जाकर जरूर वीडियो देखे। अब दूसरे सेटअप पर लेकर जाते हैं, छोटा सा आप लोगों को वहां का भी झलक दिखाते हैं। आइए मौला। तो दोस्तों आ गए हम लोग पटेल गोट फार्म पर, माशाल्लाह ये नजारा देखिए आप लोग। मौलाना साहब यहाँ पर कितने जानवर है जी? अब यहाँ पर जो हमारे पूरे लगभग 30 प्लस जानवर छोटे बड़े। बच्चों का एकदम ढेर है यहाँ पर। 36 जानवर अपने पास, छोटा जानवर है। और ये बच्चे जो नीचे है ये कितनी उम्र के बच्चे? ये 1.5 महीने के बच्चे है अभी। और ये पूरे खली की ब्लड लाइन, होम ब्रीड। अच्छा, पूरी होम ब्रीड है, ये खली के बच्चे है पूरे। माशाल्लाह आपको मतलब यहाँ पर सक्सेस हो गए आपकी, भाई बच्चे मतलब बच गए और अच्छे ग्रो हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अच्छी बात रहती है, फार्म को सक्सेस होने के लिए बच्चों का बचाना बहुत जरूरी है। सही है। तो इसमें मेल कितने आए मौलाना? इसमें मेल लगभग जो है तो कुछ 8 मेल। 8 मेल है ठीक। भाई मौलाना ये पकड़ो ना, ये वाला बच्चा सामने का, ये मेल है ना? ये मेल पकड़ो, पकड़ो उसको आप। क्या बात है यार,
ये भी खली गाय माशाल्लाह बच्चा देखे दोस्तों सारे को ये इंपोर्टेड लाइन से है ये इंपोर्टेड लाइन से जोकी लाइन से फीमेल भी है और जेके लाइन से फीमेल है और खली का बेटा पौने दो महीने का है दो महीने का पौने दो महीने का दो महीने का भी बाकी है आठ बजे भाई सबसे पहले नजर तो मेरी इस पे ही गई माशाल्लाह जी बहुत अच्छा बच्चा है भाई ये इंपोर्ट से है जेके लाइन ये अभी मतलब रुकाएंगे इसको या बेच दो अगर अभी पैसा रुकाना है अच्छा रुकाएंगे और भी मेल बच्चे है देखो यहाँ पे दोस्तों पकड़िए उसको मौलाना साहब क्या उम्र का ये होगा अभी सात महीने का होगा ये सात महीने का है अभी सात महीने और ये खली का ही बेटा है ये खली का डायरेक्ट बेटा है जी भाई सात महीने में सिंह देखे इसकी माशाल्लाह बहुत उम्दा छोड़िए उसको थोड़ा सा छोड़िए अरे बाप रे ये बात की झलक है थोड़ी सी इसमें जी जी जो गर्म है उसमें गर्मी ये देखे दोस्तों आप अभी ये सात महीने का बच्चा है सिर्फ सात महीने का है बेचना है आपको देंगे अगर कोई शौकीन आता है ब्रीड लाइन के लिए तो फिर उसके लिए हम ठीक है ये एक बच्चा और है बच्चे बड़े बच्चों में और एक है ठीक है निकालिए मौलाना उसको इसको डाल दीजिए ठीक है मौलाना साहब ये भी खली का ही बेटा है ये खली का बेटा ये भी सात महीने का है ये भी सात महीने का है जी अरे बाप रे ये गर्मी देखे दोस्तों इसकी माशाल्लाह ये अलग अलग माँ के दोनों भी हाँ जी इससे पहले ये बच्चा दिखाया हमने आपको जी पहले ये बताए और ये दूसरा ये सात महीने का कंपलसरी जो है तो एकदम फिक्स टाइमिंग मतलब इसकी डेट जो आएंगी वो मतलब परफेक्ट आएंगी ठीक है भाई काफी डर लग रहा है मुझे इससे कब आंख पे आ जाए पता नहीं सिक्के देखो भाई सिक्के दिखाइए इमरान भैया उसके भाई सिक्के देखे इसके माशाल्लाह इमरान भैया सात महीने में बहुत एक्सट्रीम गए इसके सिक्के बहुत अच्छा और जो फीमेल है ना जी वो फीमेल इससे पहले जो फीमेल आई हुई है वो उसकी भैंस बहुत बड़ी माशाल्लाह इसकी फीमेल बहुत बड़ी है अच्छा अच्छा और बिग साइज में फीमेल है Okay. मतलब माँ बाप दोनों भी अच्छे साइजेस है टॉप क्वालिटी का ठीक है फ्रेम बड़ा है उसका बहुत बड़ा फ्रेम है ठीक छोड़ दीजिए भैया छोड़ दीजिए उसको ठीक भाई दोस्तों ये दो बकरे देखे माशाल्लाह एक और बच्चा है ना मौलाना इसका खली का वो उधर उसको दिखाएंगे अपन केज में दिखा देंगे आइए केज में दिखा देंगे इसको लीजिए इधर हेलो क्या उम्र है मौलाना इसकी ये अभी लगभग 11 दांत कर रहा है शायद अच्छा दांत कर रहा है ठीक है भाई उसकी सिंग देखे आप लोग माशाल्लाह और गर्मी देखे सोल्ड आउट हो चुका है ये बिक गया ये जी ओके और माशाल्लाह खली एक ऐसा ब्रीडर हो गया अभी आज के ब्रीडर मतलब बहुत अच्छा नाम कर रहा है ये जी 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 और लोग काफी पसंद कर रहे हैं पसंद भी क्योंकि देखे बच्चे बना रहा है दोस्तों ये बच्चे उसी का है सही है खली का अब इसको नीचे इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि फिर ये बहुत तमाशा नहीं नहीं वो दो बच्चे ने तो दिखा दिया अभी मत छोड़ो इसको बहुत शानदार ये जेके लाइन से है इंपोर्ट से अच्छा ये अभी लाए क्या अभी मतलब ये अपने पास ला कर इमरान भैया ये अभी अभी आई है क्या बकरी हाँ भाई ये इसको आके दो महीने हो गए पकड़ो मौलाना पकड़ो माशाल्लाह जेके लाइन से आई भी माशाल्लाह फीमेल और खली से अभी मेटिंग हो चुकी है डेढ़ से पौने दो महीने की लोड है अभी भाई साइज देखे दोस्तों इसका भाई साइज कैसा जेके लाइन से जो फीमेल आती है माशाल्लाह बिग साइज में फीमेल जी जी और इससे पहले का भी जो आपने बच्चा बताए थे आपने कहा कि जो हमारे मजीद पटेल साहब है हाँ हाँ उनके पास बहुत बड़ी बकरी है उसके लाइन से बच्चा आया था हाँ हाँ है ना इससे पहले का जो बताया बराबर और ये बकरी का साइज देखे आप लोग इमरान भाई मतलब ये साइजेस आपके खली को काफी जजेंगे अभी बेशक भाई इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो ये फीमेल से खली का और आठवां अजूबा पैदा होगा इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल
ये एक हमारी राय है, तगड़े ब्लड लाएंगे बेशक, जैसा खली है वैसा फीमेल मिली है, वो हिसाब से बच्चे वैसे माशाल्लाह लाएंगे। और ये फीमेल भी पीके लाइन से देखो माशाल्लाह, ये भी खली से भी लोडेड है। सही है, सिंग देखिए उसके, सिंग देखो भाई इसके भी। सही है, बड़ा मजा आता है इमरान भाई आपके पास आके लोगों को सानेन का हैदराबादी का शौक दिखाकर। और माशाल्लाह इतना बड़ा फार्म ओन करना बोले तो एक काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा भैया, कैसा शौक से अपना शौक बढ़ते जा रहा है इंशाल्लाह, उसको और बढ़ाने का इरादा है अपना, और बढ़ाते रहेंगे इंशाल्लाह, इसको भी और बढ़ाना है आपको। जी भाई सही है, चलेगा इमरान। और भी फीमेल है भाई, जैसे इम्पोर्टेड लाइन से ये जी जी ये हो गई, सही है ये हो गई, ये सब ये जेके लाइन से खरगोश जो मेल आया था उसी की बेटी आई है। जी जी जी। और इम्पोर्टेड फीमेल से ये फीमेल आएगी अपने पास। अच्छा अच्छा सही है, चलेगा इमरान भाई, बहुत हिम्मत लगती है इतना बड़ा जानवर संभालने के लिए, और ये आपकी हिम्मत लोग आज इसको पसंद भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो बहुत अच्छा काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपके काम में और बरकत दे, और जितना हो सके उतना लोगों का शौक हो आपके जरिए से। इंशाल्लाह अगली बार आपका कुछ टूर रहेगा तो दिखाते हैं लोगों को। चलेगा, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया भाई।